उठ भी जी भंजे लोके दुआ कर इस बार मीह टाइम से पै जाए तो फसल चौखी हो जाए। हूं गल करती रही कि फसल गएगी हूं मैं जाके हड्डी को दुध लेके आया मेरे को भी जाना है एक दूनी दूनी दो दूनी चार तीन दूनी छः नमस्ते जी बेटा की हाल लगता पढ़ा याद हो गया स्कूल टाइम ना। हाँ जी मास्टर जी तीन दूनी छः चार दूनी आठ नौ चाचा चल छेती ना हम रोटियां सारना चाह भी भुनना मैं टाइम मुरब्बे जावा पाजी साहब सलाम जी बच्चों क्या हाल है ठीक ठाक हो सब कैसे हैं ये ओ पुत्र कोई प्यारे शेरे कर रहे हो कि नहीं बुढ़ो रानी दे याद दिन करीब आ गए ने। हां जी पादरी साहब शुक्र है रब का कि तैयारियां ते चलियां चलन दियां ने ते ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰੱਬੇ ਚੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਛੰਨੇ ਥੱਲੇ ਚੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਬਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਪਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਗਾ बेटा ये धरती फनकार की धरती रही है यहाँ पर बहुत से मौसीकार लोग पैदा हुए बहुत से घराने ऐसे हैं जिन्होंने मौसीकी में बहुत खिदमत सर अंजाम दी है। बाबा आपको मैं समझ लगी क्या फिरोजाबाद की इतनी तारीफ क्यों करते हैं बाबा आप मुझे कुछ और मुख्तलिफ बातें भी बताएं फिरोजाबाद के बारे में। बेटा फिरोजाबाद एक अजीम धरती है ये मुआदरी का दरिया है यहाँ से कई असातिज़ा बहुत बड़े बड़े मास्टर बिशप शाहदान उन्होंने इस धरती से जन्म लिया बहुत सारी नर्सेज डॉक्टर और बड़े अहदों पर फायज होने वाले लोगों का कबीर इसी मिट्टी से उठा है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशन हुआ करती थी यहाँ पर बहुत से मौसीकी के मुकाबले खेलों की तकारीर फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी और ये बहुत सारी खेले फिरोजाबाद की पहचान है। बाबा यहाँ के चर्च क्वायर के बारे में बताएं। बेटा चर्च क्वायर बहुत अहम रोल रहा है हर दौर में फिरोजाबाद चर्च क्वायर ने अपना नाम पैदा किया है एक दौर वो भी आया कि फिरोजाबाद चर्च क्वायर के प्रोग्राम टीवी और रेडियो स्टेशन से नशर किए गए और भी बहुत सारे इनामात फिरोजाबाद चर्च क्वायर अपने गांव के नाम कर चुकी है। बाबा यहाँ के चर्च क्वायर का मंदिर बाबा यहाँ के क्रिसमस का मंदिर कैसा होता ना? बेटा इतना इंतजार होता था हमें उस दिन का कि क्रिसमस आए ये देखो गांव से मुख्तलिफ अदवार में क्रिसमस की तैयारियाँ शहर जावांगा मैं कल फिर मैं लेवांगा बस छप्पर स्कूल के कोल बोल गया
उधर नंगिया तो मुन्नी ने उधरों नहीं मैं पुराने अड्डे वालों की आया ते मैं सुनया ने उधर कौन छूटे भाई ये आगे ने अब्बा मोमबत्ती वाला जिन्नी का कहते की निकल गए और नहीं पुत्रा वो तो ईद पे हुंदा है मोमबत्तियों वाला जुलूस ईद की सुबह हुंदा है अच्छा खाया नहीं कर इन्होंने कुछ अच्छा तो मैंने ये दसो कि पैसे भी कुने कराए ने कि नहीं पैसे ना हुन करा ला लो तो पा दस की दुकान तो ये मुझे लगता है हम 21st सेंचुरी में दाखिल हो गए हैं कितने हाथे खाली हो गए हैं कितने लोग शहर में टुर गए हैं दिल को मोल लेंदे ने जब सुनिया वेड़िया वाले देखने आ नाजी दा भी नर्सिंग से एडमिशन हो गया ए भी टुर गई ते साडा भी जरा सुन जा हो जाएगा अजू होए वही प्यार वही मोहब्बत
खुदा रे मुझे वापिस जा दो, मेरे बच्चे नशे में घर से जा रहे हैं, इनको नशे से बचा सकते हो तो बचा लो। मेरी बेटियां, मेरी बेटियां मुझसे छीनी जा रही है, इनको बचा सकते हो वापिस ला सकते हो तो ला दो। मेरे बेटो, मेरी बेटी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश करता हूँ, एक हो जाओ, लड़ाई झगड़े छोड़कर सब मिलजुल के रहो, एक दूसरे को हलाने की बजाय मिलकर जीत की खुशी मनाओ। मैं तुमको पछताता हुआ कभी नहीं देखना चाहता, और मेरे बच्चे जो मेरे बच्चों की तरक्की के लिए सरगर्म हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि उनका साथ दो। आप सबसे मेरी विश्वास है कि उनका साथ दो, ताकि हम मिलकर आगे बढ़ सके। मैं तुम्हें पछताता हुआ नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें कभी पछताता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम साथ के साथ मेरे हो। हाँ, तुम साथ मेरे हो, तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो। मुझे जिंदाबाद, मैं आपको सहारा दूंगा, मैं आपके सारे आंसू पोंछ डालूंगा, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। आप सिर्फ मेरे बाबा के